Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें टेली ईआरपी 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर को कंटेन करना है. Dear students, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टेली ईआरपी 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेली ईआरपी 9 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे टेली ईआरपी 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, सो आपको टैली को सीखने से पहले अकाउंटिंग के बारे में सीखना होगा. ठीक है, कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है. ठीक है, क्योंकि जो टैली ईआरपी 9 है उसके अंदर सब काम अकाउंटिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग को. तो अकाउंटिंग को सीखने के लिए हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का. ठीक है, एक सरल भाषा में मैं अगर बोलूं कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप मुझे बताएंगे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है. किसकी? बिजनेस की. ठीक है, तो आप इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. मीन्स अकाउंटिंग जो है वह भाषा है. ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक भाषा है. किसकी? बिजनेस की. ओके, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग के तौर पे अगर जाने, तो जो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो समझने की कोशिश करिएगा, जो आपकी अकाउंटिंग है वह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है, जरा वो समझिए. यहाँ पे जो अकाउंटिंग है आपके, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन फंक्शन, इस तरह से जो ये सारे आपके यहाँ टॉपिक्स आप देख रहे हो, इन्हीं सब का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. ठीक है, अब अकाउंटिंग के अंदर जो पहला वर्ड यहाँ आया है, आइडेंटिफाइंग. अब आइडेंटिफाइंग क्या है, जो वो समझिए. ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर पहले ये एक बात ये भी समझिए कि अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है. अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप लेन या देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है सही तरीके से. ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कैसे होता है, वही चीज़ यहाँ पे प्रोसेस में लिखी गई है कि सबसे पहले जो भी लेन देन हुआ है उसको पहचानो कि वो किस तरीके की लेन देन है, बिजनेस है या फिर नॉन बिजनेस है. ठीक है, मेजरिंग दूसरा क्या है यहाँ पे, मेजरिंग. मेजरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका लेन देन हुआ है उसका कीमत क्या था, उसका वैल्यू क्या था. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपने लेन देन किया है उसको रिकॉर्ड किया गया. ठीक है, फिर क्लासीफाई किया गया. क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि जो आपने लेन देन किया है वो किस कैटेगरी में आता है. ठीक है, फिर उसको समराइज करके रखने का काम भी किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर ही आता है. तो जो आगे के जो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, वो सारी चीज़ें आप थोड़ी देर के बाद समझ जाएंगे आगे की वीडियोस के अंदर. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ आप इतना समझिए अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो भी आप लेन देन करते हो उसको रिकॉर्ड करने का. ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ठीक है, बाकी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ओके, अब जरा सीखते हैं कि हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़नी चाहिए. ठीक है, क्यों हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं. ठीक है, तो जरा देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. मींस हम अकाउंटिंग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने लेन देन को सिस्टमेटिक ढंग से मेंटेन कर सकें. ठीक है, उसे मैनेज कर सके कि जैसे कि आपकी पहली लेन देन जो हुई है, मतलब पहली ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इतने तारीख को हुई है, तो आपने उसे फर्स्ट लिख दिया, फिर सेकंड लिख दिया, जैसे जैसे. मीन्स आप सिस्टमेटिक तरीके से जो भी आपके लेन देन के रिकॉर्ड्स हैं आप उसको मेंटेन कर पाओ, इसलिए हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं. सो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस. इसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग को हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट में लिखा है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन. मीन्स आप अकाउंटिंग के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है अभी मार्केट में किस फाइनेंशियल पोजिशन पे वो खड़ी है. मीन्स उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है मार्केट में, उसकी वैल्यू क्या है आपकी कंपनी की, वो भी आप अकाउंटिंग के माध्यम से पता लगा सकते हैं. ठीक है, और हम अकाउंटिंग इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि कोई भी धोखाधड़ी, मीन्स कोई भी फ्रॉड आपकी कंपनी में ना हो पाए. ठीक है, सो ये चार पॉइंट है,
इसलिए हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा आगे सीखते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखी है अकाउंटेंसी की, द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इसका मतलब ये है कि लेखांकन बनाने के तरीके के ज्ञान को अकाउंटेंसी कहा जाता है। मतलब अकाउंटेंसी क्या है, एक तरीके से अकाउंटिंग की नॉलेज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ओके, ठीक है, लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग। ठीक है, हिंदी में जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, जो अकाउंटिंग है उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, लेखांकन। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के प्रोसेस को जानने के तरीके को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार और समझिए अकाउंटेंसी क्या है। जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, मीन्स जो भी आप अकाउंटिंग सीखते हो, उसी के सीखने के तरीके को आप क्या कहोगे, अकाउंटेंसी कहोगे। ठीक है, सो आज का ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा अकाउंटेंसी के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में। तो आप इसे सही से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कॉल करके, दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।